हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं नंदी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाली हूँ उन समस्याओं के बारे में जो कि महिलाओं को भी होता है और पुरुषों के भी होता है, और इस छोटी छोटी गलतियों से आप लोगों को कई सारे प्रॉब्लम भी देखे जाते हैं। तो चलिए आइए, आज बात करने वाले हम हेयर रिमूवल के बारे में। यानी कि बहुत सारे लोग हमें मेल किए थे कि मैम, जब भी हम अपने अंडर गार्मेंट्स, प्राइवेट पार्ट, अनचाहे बालों को जब भी सफाई करते हैं, जब भी हम हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हमें दाने दाने निकलते हैं, वहाँ पे हमें फोड़े जैसे निकल जाते हैं, स्किन एलर्जी हो जाती है। हमेशा इस प्रकार की समस्या क्यों होती है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भी हेयर रिमूवल क्रीम बनाया जाता है, कई सारे आज के मार्केट में देखेंगे तो कई सारे क्वालिटी के हैं, कई सारे ब्रांड के हैं, ठीक है। तो आप जो भी हेयर रिमूवल का आप इस्तेमाल करते हो, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बाल को 2 मिनट, 1 मिनट या 5 मिनट जो भी समय लगता हो, उसको जड़ से निकालता है, जड़ से उसको गला कर निकालता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल होता है ना, अगर आप हफ्ते में एक बार लगाते हो, 10 दिन में एक बार लगाते हो, महीने में अगर 4 से 5 बार लगाते हो, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि तुरंत बहुत लोगों को इसका असर नहीं मिलता है। अगर रेगुलर कंटिन्यू अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आपको मतलब कि स्किन एलर्जी, दांत खाज खुजली या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली देखने को मिलता है। आप जब भी बाल साफ करेंगे, तो बाल तो साफ होने के बाद वहाँ पर देखेंगे तो आपको लाल लाल जो है रेसेस दिखता है, वहाँ पर फोड़े जैसे निकल जाते हैं, जैसे जो छोटी राई होती है, राई के दाने के बराबर निकलता है, बट पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत लोग इसको बाल तोड़ कहते हैं, बहुत लोग इसको छोटी फुंसी या फोड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो समस्या होती है ना, मतलब कि उस हानिकारक केमिकल की वजह से, मतलब वो जो केमिकल होता है, आपकी स्किन उसको सूट नहीं कर पा रही है, आपकी स्किन को सूट नहीं करता, आपकी जो स्किन है उसको सहन नहीं कर पा रही है, उसके जो प्रभाव को झेल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर आज हम आपको कुछ जो ऐसे कुछ नुस्खे भी बता रहे हैं जो कि अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब कि 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके बाल जो है साफ़ हो जाएंगे नेचुरल तरीके से, इससे कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर आप इस होम रेमेडी से नहीं साफ़ करना चाहते, तो भी हम आपको बताएं, अगर आप रेजर का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो रेजर से भी साफ करेंगे तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रेजर से भी बहुत लोग जो है गलत तरीके से साफ़ करते हैं, जो कि उनको भी वहाँ पर लाल लाल रेसेस फुंसी जैसे निकल जाते हैं। रेजर आपके जो बाल की पोजिशन है, बाल की पोजिशन अगर नीचे की तरफ झुकी है, तो आपको रेजर को भी नीचे की तरफ ही लेकर आना है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना है। आपको कोई बाल साफ़ करने वाली क्रीम का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, रेडीमेड कोई क्रीम अगर आपको लगाना है, तो आप इसको अगर महीने में, 2 महीने में अगर एक बार लगाते हैं, तो इसका जो साइड इफेक्ट आपके स्किन पे कम से कम देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करने वाले हैं कि अगर आपको बाल साफ करना है, तो सबसे पहले सावधानी क्या रखनी चाहिए, किस तरीके से साफ करना होता है। चाहे आप क्रीम लगा रहे हो, चाहे आप रेजर का साफ कर रहे हो, चाहे आप जो होम रेमेडीज, इन तीनों तरीके से अगर आपको बाल साफ करना है, तो उससे पहले आपको सावधानी रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला कि आप अपने जो प्राइवेट पार्ट, अंडर गार्मेंट्स, जहाँ पर भी आपको लगाना हो, वहाँ पर पहले हल्के पानी, मतलब जो पानी होता है, उस पानी से अपने उस स्किन को थोड़ा गीला कर लें। गीला करने से क्या होता है कि वहाँ का जो स्किन जो ड्राई होती है, जो बाल टाइट होते हैं, थोड़ा नाजुक हो जाते हैं, वहाँ से स्किन थोड़ा नर्म हो जाती है, जो कि आपको साफ करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बहुत ही मेन पॉइंट होती है, बहुत लोग जो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। पहला हो गया, यानी कि अगर आपको क्रीम लगाना है, तो पहले पानी से हल्का गीला करना, हल्का पानी से गीला करना बहुत ही जरूरी है, ठीक। दूसरा कि अगर आपको कोई होम रेमेडीज लगाना है, तो भी आपको बाल, मतलब कि वहाँ की स्किन को पानी से थोड़ा साफ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तीसरा कि अगर आपको रेजर से साफ करना है, तो वहाँ पर रेजर से साफ करने के लिए आप कोई अगर साबुन का इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर साबुन लगाने के बाद ही आप रेजर से साफ करें, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप क्रीम लगाना चाहते हैं, और क्रीम से ही अगर आपको सिर्फ बाल साफ करना है, तो देखिए, अगर आप महीने में एक बार या 2 महीने में अगर एक बार लगाना चाहते हैं, तो हल्के मात्रा में वहाँ पर लगाकर अपने बाल को साफ कर लें, ऐसे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। इसका असर, साइड इफेक्ट देखा जाएगा, लेकिन कम देखा जाएगा। जैसे कि आप बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार लगा लेते हैं लोग, 10 दिन पे 15 दिन पे एक बार लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है कि आपकी स्किन जैसे कि फुंसी जैसा हो जाता है, वहाँ पे दांत खाज खुजली हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा जो आपको समस्याएं होती है उससे कम से कम मात्रा में होगा, ठीक है। ये हो गया पहला कि इससे आप कुछ निजात आप पा सकते हैं, कि जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आपको कच्चा पपीता लेना है, जो कि छिलके सहित कच्चा पपीता काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये नेचुरल तरीके से आपको बाल साफ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करे, क्योंकि जो इसमें दूध, कच्चा पपीता के छिलके में दूध पाया जाता है, और ये दूध आपकी स्किन एलर्जी, दांत खाज खुजली, स्किन पिंपल और जो काले दाग झाइयाँ होती है उसको भी साफ करता है, साथ ही जो अनचाहे बाल होते हैं उसको भी नेचुरल तरीके से साफ करता है। जो कच्चा पपीता का, मतलब जो छिलके से जो कच्चा पपीता है, इसका कम से कम 2 से 3 चम्मच पेस्ट ले लीजिए, और इसमें आप मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर दीजिए 1 से 2 चम्मच। अब इसको हल्का सा पानी डालकर या गुलाब जल डालकर, यानी कि ज़्यादा पतला ना रहे और ज़्यादा मोटा ना रहे, आप अपने हिसाब से लिमिट में इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। अब अपनी प्राइवेट पार्ट पर लगाने से पहले, जैसे हमने आपको बताया
के थोड़े पहले वहाँ पे थोड़ा सा पानी इससे गीला कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे लगाइए। तो इस तरीके से वहाँ पर लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से साफ करने से पहले ध्यान दें कि इसको अपने हाथों से पहले इससे हल्के इसको अप्लाई करेंगे, मसलेंगे ना, तो जो बाल निकलने के लिए रहेंगे उस बाल जो है इस तरीके से करने से निकल जाएंगे। आप जिस भी तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं, च्वाइस आपकी है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, जो आपको पसंद हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और एजुकेशन के लिए, किसी को हर्ट पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी मकसद या उद्देश्य नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो और भी लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।